सो ही नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आज यार आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आई नो आप लोगों को यहाँ पे बहुत दिनों से वेट था कि Redmi Note 7 के लिए ऑक्सीजन OS जो स्टेबल वर्जन आया था उसका आपके लिए रिव्यू लेके आऊँ और कैसे इंस्टॉल करना है, फ्लैश करना है उसके बारे में भी बताऊँ। और फाइनली आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। तो जल्दी से वीडियो को यार पहले लाइक कर दो और साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। क्या यार पता नहीं 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ 10% लोग सब्सक्राइब हैं जितने लोग वीडियो देखते हैं। या प्लीज़ यार रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाओ ना, क्यों नहीं दबाते हो तुम लोग, समझ में नहीं आता मुझे। तो यहाँ पे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको दिखाता हूँ इस ऑक्सीजन OS के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास है Redmi Note 7 और या आप कहो Redmi Note 7S, जिसके अंदर लेटेस्ट यहाँ पे ऑक्सीजन OS जो स्टेबल है Android 9 के ऊपर, पाई के ऊपर। जी हाँ, ये 10 वाली नहीं है, ये पाई वाली है, क्योंकि 10 वाली में अभी भी कोई बग्स हैं थोड़े बड़े, और ये आपको 9 वाली ईजिली बहुत अच्छी देखने को मिलती है। बग लेस है अभी तक, तो एक बग मिला है वो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर से किस टाइप का बग है, लेकिन फिक्स भी है उसका, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। Android 9 पे ये बेस्ड है, आपको देखने को मिल जाएगा और काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, बहुत ही स्मूथली यहाँ पे आपको देखने को मिलती है ये वन प्लस की आपको ऑक्सीजन OS। और साथ ही साथ इसी तरीके मैंने हाइड्रोजन OS का भी करा था, वो भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसमें थोड़ी चीज़ें फ्लैशिंग करने वगैरह में दिक्कत आती थी, तो उसमें थोड़ा सा ये रहता था। लेकिन इसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, गूगल प्ले स्टोर प्री इंस्टॉल मिलता है, सारी ऐप्स मक्खन की तरह चलती है, पबजी भी मक्खन की तरह चलता है, जैसे ऑक्सीजन OS में सब चीज़ चलनी चाहिए मक्खन की तरह, वो सब चीज़ आपको इसमें मक्खन की तरह चलता हुआ मिल जाता है, लिटरली कोई भी बग नहीं मिलता है। ये तो इतना आपको मैंने बता ही दिया। यहाँ पे एक एक फंक्शन आपको दिखा दूँ, तो यार पहले देख लो कैमरा ऐप वगैरह, ओपनिंग स्पीड देखो क्या फास्ट देखने को मिलती है, कितनी फास्ट यहाँ पे ओपनिंग होती है ना, ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर, देखो क्या फास्ट ओपनिंग स्पीड इसकी देखने को मिलती है। तो पिक्सल एक्सपीरियंस रोम तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको ये ओपनिंग स्पीड के साथ देखने को मिलती है, तो सर्फिंग वगैरह में आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फीचर्स वगैरह की बात करूँ तो सारे आपको ऑक्सीजन OS के जितने फीचर हैं सब देखने को मिल जाते हैं। नॉट डिस्प्ले वगैरह का भी ऑप्शन मिलता है, हाइड करना है तो इस तरीके से आपको हाइड करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। एम्बिएंट डिस्प्ले भी देखने को मिलती है यहाँ पे, अगर आपको एक बार टेस्ट करा दूं तो देखो चलती नहीं है यार एम्बिएंट डिस्प्ले में, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये बग टाइप का देखने को मिलता है, किसी में चलती है किसी में नहीं चलती है, तो ये बग देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह सब स्मूथली काम कर रहा है, देखो ये लॉक है, वन टैप अनलॉक, तो अनलॉकिंग वगैरह में भी कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं आती है। कस्टमाइजेशन देख सकते हो, पिक्सल के वॉलपेपर सारे मिल जाते हैं, थीम लाइट वगैरह आप चेंज कर सकते हो, और LED नोटिफिकेशन, फॉन्ट वगैरह भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। फॉन्ट साइज और स्टेटस बार में भी यहाँ पे आप बैटरी स्टाइल बार को चेंज करना है तो उसका भी ऑप्शन, और बैटरी परसेंटेज और स्पीड नेटवर्क दिखाना है तो उसका भी ऑप्शन, और आइकन मैनेजर वगैरह भी आपको उसके अंदर देखने को मिलता है। स्क्रीन सेवर मिल जाएगा जिसको आप स्टार्ट नाउ कर दो जब आपके डॉक्ट है तो वर्क नहीं करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया एम्बिएंट डिस्प्ले यहाँ पे आपके लिए वर्क नहीं करता है। उसके अलावा यहाँ पे जो अभी एक बग की बात कर रहा था वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्क्रीन कैलिब्रेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पे अगर हो सकता है फर्स्ट टाइम फ्लैश करो तो आपके यहाँ पे थोड़ा वार्म टोन में आए, तो मेरे में वार्म टोन में आ रहा था, तो इसका एक फिक्स आपको देखने को मिलता है। हालांकि दो फिक्स है, एक फ्रेंड है वैनम, उन्होंने बताया कि आप गार्डनर ऐप से भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, मेरा ये गार्डनर ऐप वाला वर्क नहीं कर रहा था सही से, मैंने इसको यहाँ पे ट्राई करा था कलर कैलिब्रेशन वाला लेकिन वर्क नहीं कर रहा था, मेरा वर्क करा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ये बिल्ड नंबर है इस पर 4-5 बार टैप करना है ताकि आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाए। उसके बाद सिंपल आप जाओगे यहाँ पे सिस्टम में डेवलपर ऑप्शन में और आपको इस ऑप्शन को ऑन करना है, पिक्चर कलर मोड यूज sRGB, तो ये ऑन कर दोगे और यहाँ पे नॉर्मल वर्क करेगा एकदम, मेरा सही से वर्क करने लगा था, लेकिन आप जब रिबूट करोगे तो उसको फिर से ऑन ऑफ करना पड़ेगा आपको ताकि वो सही हो जाए। यहाँ पे आपको एडवांस रिबूट का भी ऑप्शन लगे हाँ तो देखने को मिलता है, आपको दिखा दूँ रिकवरी बूट लोडर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे आपको यूज़ करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है। नाइट मोड वगैरह भी देखने को मिलता है, तो इस तरीके से नाइट मोड आपका वर्क करता है, और देखो यहाँ पे ये फिर से स्क्रीन स्टक हो गया, तो ये चीज़ एक बग देखने को मिलता है जो कि काफ़ी बुरा लगता है कभी कभी, लेकिन अगर आप ज़्यादा चीज़ बार बार नहीं करते हो चेंज तो आपके लिए कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। देख सकते हो उसको बंद करके चालू करने पे भी आपको यहाँ पे हो जाता है, कोई प्रॉब्लम इस तरीके से नहीं आती है। तो उसके अलावा आपको और चीज़ दिखा दूँ तो साउंड वाइब्रेशन आपको सब चीज़ अच्छे से वर्क करती हुई मिलती है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आती है। बटन गैशर्स अलर्ट स्लाइडर आपको देखने को मिलता है, और गैशर्स देख सकते हो जैसे कि मैं अभी वन प्लस वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक ठाक आपको गैशर्स मिलता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्विक गैशर्स भी आप देख सकते हो जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे, और असिस्टेंट वगैरह का भी ऑप्शन यहाँ पे मिलता है।
फिंगरप्रिंट अनलॉक आपको देखने को मिल जाता है, फेस अनलॉक मिलता है, लेकिन यार ये सही से डाटा ले नहीं पाता है। आप अपने में ज़रूर से ट्राई करना अगर आपके में फेस अनलॉक सही से वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है। मेरे में तो फिलहाल यार मुझसे सही से वर्क नहीं कर रहा था, आप अपने में ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। गेमिंग बोर्ड वगैरह भी मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, आपको कुछ ऑप्शन वगैरह भी इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। और स्मार्ट बूस्ट डीसी डिमिंग वन प्लस स्विच का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, और क्विक रिप्लाई भी यहाँ पर आप देख सकते हो लैंडस्केप मोड में, इसका भी ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी हैंडी फीचर है अगर आप कभी लैंडस्केप मोड में गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो उसके काम आपको ये देखने को मिलता है। यहां पे अगर आपके लिए बात करूं कि गेमिंग के बैटरी कैसी है, गेमिंग अभी आपको दिखाता हूं, तो बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा मुझे लगा यहां पे, और देख सकते हो एक घंटे में सिर्फ कम से कम 40 आवर्स का यहां पे फुल चार्ज था और बहुत ही कम बैटरी यहाँ पे ड्रेन हुई है। तो बैटरी बैकअप पिक्सल एक्सपीरियंस रूम से इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। और मक्खन तो बहुत अच्छे से चलता है ये उसके मुकाबले, तो इसमें भी कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आती है। ओवरऑल देखा जाए तो हर चीज़ आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छे से स्मूथली वर्क करते हुए मिलती है। यहाँ पे लास्टली आपको दिखा दूँ थोड़ा बहुत गेमिंग कैसा देखने को मिलता है, तो गेमिंग भी बहुत स्मूथ चलती है, कोई भी लैग वगैरह नहीं आया, और HD सेटिंग में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छे से ये वर्क भी करता है HD सेटिंग में बहुत ही स्मूथ। आज वीडियो काफी जल्दी बन गई, तो यहां पे जल्दी से इसको ओपन करता हूं, इसकी सेटिंग वगैरह आपको दिखाता हूं, गेम प्ले भी दिखा देता हूं किस तरीके से यहां पे देखने को मिलता है। वैसे जल्दी से ओपन हो ही गया है, तो जल्दी से इसको ओपन हो जाने देते हैं, और यहां पे लॉगिन हो गया है, देख सकते हो काफी क्विक यहां पे आपका PUBG भी ओपन हो गया है। ये भी चीज आपको यहां पे नोटिस करनी चाहिए कि स्टार्टिंग टाइम भी इसका काफी अच्छा देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां पे इसको बंद करते हैं चिकन डिनर, और सेटिंग्स में आपको एक बार दिखा दूं तो ग्राफिक्स देख सकते हो HD हाई में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, इससे ऊपर तो जाता नहीं है कोई नॉर्मल चीज़ है ये तो। और HD हाई में भी बहुत ही अच्छे से, जो कि मैं ईवो ग्राउंड TDM खेलता हूँ उसमें बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है बिना किसी बग के, बिना किसी प्रॉब्लम के, तो ये भी चीज़ एक काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है इसके अंदर। तो एक गेम प्ले थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ जल्दी से किस तरीके का देखने को मिलता है, ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे चलते हैं, अरे 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 अभी गेम तो शुरू होने दे भाई, ओ भाई ठंड पा ले। तो देख सकते हो उधर गेम प्ले शुरू हो गया है, और आई थिंक आपको भी कोई नहीं दिख रहा होगा लैग जैसा मुझे देखने को मिल रहा है, कि कोई भी लैग यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। देख सकते हो क्या स्मूथ यहाँ पे गेम प्ले यहाँ पे चल रहा है, और मैं मर गया, और ये चीज़ काफ़ी अच्छी यहाँ पे रहती है, मरने पर मत देखो लेकिन गेम प्ले देखो काफ़ी स्मूथ देखने को मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे ये ऑक्सीजन ओएस देखने को मिलती है। आई थिंक यार पिक्सल एक्सपीरियंस के ऊपर मैं इसको चूज़ करूँगा, इसमें हालांकि आपको अपडेट वगैरह नहीं मिलेगी, पिक्सल एक्सपीरियंस में आपको अपडेट वगैरह देखने को मिल जाएगी, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे एक ज़रूर से नोटिस करनी पड़ेगी कि पिक्सल में अगर कुछ बग वगैरह भी रहता है तो वो आपको फ्यूचर में सॉल्व करने का पूरा चांस देखने को मिलता है उसके अंदर, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ऑक्सीजन में आपको अगर अपडेट मिलती है तो बहुत ही रेयर देखने को मिलेगी, और मिलती भी है तो रेयर आपको देखने को मिलती है, लेकिन अगर बात करें अभी परफॉर्मेंस वगैरह की और बैटरी बैकअप के साथ तो ये काफ़ी स्मूथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो चीज़ अभी मैंने नोटिस करी है बैटरी बैकअप के साथ साथ, तो ये चीज़ एक काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे रहती है। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मैं कंटिन्यू करता हूँ अपना पबजी गेमिंग, और काफ़ी जल्दी आई थिंक PC भी ले लूँगा, जिसमें मैं PC गेमिंग भी आज सोच रहा हूँ करने की, तो उसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर से बताना कि PC गेमिंग का एक चैनल ज़रूर बनाऊंगा, और उसमें PC नहीं सबकी गेमिंग करूँगा फिर मैं। तो फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अरे हाँ यार भूल गया मैं तो, इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो भी तो बताना है आपको। सो इंस्टॉलिंग के टाइम पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका डेटा फॉर्मेट यहाँ पे होगा, तो ये चीज़ आप ज़रूर से ध्यान रखना। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल एक फ़ाइल ही फ्लैश करनी है, और अगर आप MIUI रोम से आ रहे हो तो आपको VB मेटा भी फ्लैश करना होगा। इस रोम का फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको कोई गूगल ड्राइव की एरर आ रही है तो उस पर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप उसमें देख लो, आपकी एरर भी सॉल्व हो जाएगी और उससे आपकी फ़ाइल भी डाउनलोड हो जाएगी। फाइल डाउनलोड होने के बाद आपके फ़ोन के अंदर कोई कस्टम रिकवरी ज़रूर से लगी होनी चाहिए, तभी आप इस चीज़ को यहाँ पे कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे रिकवरी मोड में अपने फ़ोन को बूट कर ले रहा हूँ, मेरे में ऑप्शन है, आप वॉल्यूम प्लस की और पावर की दोनों को एक साथ प्रेस करोगे तो आपका यहाँ पे रिकवरी मोड में फ़ोन चला जाएगा। ओ फॉक्स रिकवरी होगी तो ज़्यादा अच्छा है, यानी ऑरेंज फॉक्स रिकवरी, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे से वर्क यहाँ पे फ़ोन करता है, तो वो चीज़ रिकमेंडेड है कि आपके फ़ोन के अंदर ऑरेंज फॉक्स रिकवरी यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो। उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है,
आपकी जो फाइल मैंने दे रखी है वो चीज़ डाउनलोड करके सेव कर लेना। और मैंने फिर से बता देता हूँ, आपका डेटा सब डिलीट होगा, तो ये भी आप अपना बैकअप ज़रूर से बना के रखना। सबसे पहले तो आपको वाइप में जाना है और सारे सिस्टम को सेलेक्ट करना है, डेटा को छोड़ के, इंटरनल स्टोरेज को छोड़ के आपको सबको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर से एक बार देख लो और स्वाइप टू वाइप आपको यहाँ पे कर देना है। इतना करने के बाद आपको सिंपल जाना है फाइल्स में, और आपने जहाँ फाइल को डाउनलोड करके सेव कर रखा है, जैसे कि मेरा यहाँ पे सेव है, तो आपको एक मिनट दिखाता हूँ मेरा सेव। एक्चुअली मैं आई थिंक मेरी फाइल ही डिलीट हो गई है, तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट करना पड़ा था, तो फाइल चली गई थी, मुझे इसमें भी ध्यान नहीं रहा। तो आप भी यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको अब क्या करना है। आप मान लो ये फाइल है, आपको सिंपली इसको सेलेक्ट करना है और स्वाइप टू वाइप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल जाना है मेनू में, पार्टीशन में, डेटा में, और यहाँ पे डेटा में जाके अपना फॉर्मेट टाइप करना है यस करके, और टिक लगा देना है, आपका काम हो जाएगा। अब आपको सिंपली रिबूट टू सिस्टम का ऑप्शन आएगा, आपने इसमें रिबूट कर लेना है। बस इतना सा काम करना है, आपके फोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। वीवी मेटा जरूर फ्लैश करना अगर आप कोई मी वाई रोम से आ रहे हो, पिक्सल से आ रहे हो तो वीवी मेटा फ्लैश नहीं करना पड़ेगा, लेकिन डेटा तब भी फॉर्मेट करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रख लेना। अगर बाई चांस कोई भी एरर आती है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोशिश करूंगा पूरी हेल्प करने के लिए। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, फिर तो मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।